नमस्कार किसान भाई, आज हम बात करने वाले हैं कि कोल्ड स्टोर के क्या भाग भविष्य रहेगा। कोल्ड स्टोर में जो किसान भाई आलू रखे हैं, या आलू के भाग भविष्य क्या होने वाला है, क्या इसमें दाम बढ़ोतरी होने वाला है या घटने वाला है। तो किसान भाई, क्या किस समय आलू के हम कोल्ड स्टोर से निकासी करें, कितना दिनों के बाद हम निकासी करें, कैसे करें, पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला है किसान भाई। किसान भाई, मैं राधेश श्याम कुमार। किसान भाई, आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन नोटिफिकेशन दबा ले, ताकि जो भी मैं वीडियो डाल लूँ या जानकारी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ जो सबसे पहले आपके पास पहुँच सकूँ। किसान भाई, बात कर लेते हैं कि जब आप कोल्ड स्टोर में रखे रहते हैं आलू स्टॉक करके, आप सोचते हैं कि अच्छे भाव मिले तो हम कोल्ड स्टोर से बाहर निकालेंगे। नहीं, मान लीजिए किसान भाई, यदि आप 100 कुंटल आलू कोल्ड स्टोर में रखे हुए हैं तो देखिए थोड़ा कम रेट है, तो उस समय भी कुछ आलू निकाल लीजिए किसान भाई, और देखिए कि थोड़ा मीडियम रेट चल रहा है उस समय भी आप आलू निकाल लीजिए, कोल्ड स्टोर से निकासी कर लीजिए। इससे क्या होता है किसान भाइयों, यदि आप इस समय कुछ ज़्यादा रेट मिलेगा, आने वाला समय में फिर मीडियम वाला में कुछ अच्छा रेट मिलेगा, जब दूसर का आप निकासी करते हैं कोल्ड स्टोर से आलू के, तब मान लीजिए कि अगले जो आने वाला है आप स्टोक करके रखे हुए हैं, उसमें यदि आलू का रेट गिर जाए तो आपको नुकसान ही नुकसान होगा किसान भाई, भाव भी अधिक में कम मिलेगा। तो किसान भाई, इससे फायदा यह होता है कि धीरे धीरे अपने आलू का कोल्ड स्टोर से निकासी करते रहें। और बात कर लेते हैं किसान भाई कि जब मान लिए और प्रॉफिट भी होता है कि इस समय दो रेट मिला, एक कम रेट मिला, एक अधिक रेट मिला, मान लिए तीन हिस्सा में आप निकाल रहे हैं कोल्ड स्टोर से आलू, अगला हिस्सा में अधिक भाव मिले, तो किसान भाई इससे यही फायदा होता है किसान भाई। बात कर लेते हैं कि किसान भाई, आलू का जो अमकी जो संकट की आई है, जो मौसम के हिसाब से आया, जो बहुत सारे किसान भाई आलू के खेती कर चुके थे लेकिन बारिश होने पर पूरी आलू के बीज सर गया है, रोपा हुआ पूरा व्यर्थ चल गया है। इसी कारण अमकी आलू के भाव में बहुत तेज़ी पकड़ने वाला है किसान भाई। थोड़ा थोड़ा निकासी करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी इन्फॉर्मेशन के साथ। जय जवान, जय किसान, जय भारत।